हो जाए बेटी। सफेद पोश रोकर भूख के लिए एहतजाज करे तो दुनिया वाले बुरा मनाते हैं। मेरा बस चले तो मैं तेरे लिए दूध की मशके भर लाऊं, पर क्या करूं, पेट के दुख में अनाज का दाना चाहेगा तो दूध उतरेगा ना बेटी। चुप हो जा, माँ की तरह साबिर हो जा, मेरी तरफ देख, मैं भी तो तीन वक्त का फाका बर्दाश्त किए बैठी हूँ। चुप हो जा माँ। तुम्हें भूख लगी है ना माँ? अगर तुम कहो तो मैं हम सांवों से तेरे लिए रोटी मांग लाऊं। नहीं बेटे नहीं, हाथ फैलाने के लिए इंसान को अपना छोटा करना पड़ता है। पर तेरा बाप तो तुझे बहुत बड़ा आदमी देखना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि तू उसके ख्वाब को हकीकत में जरूर बदलेगा। पर बेटे, पेट पे सबर का पत्थर बांध के सो जा, जा। और क्या चाहिए? इसके अलावा एक टूथपेस्ट दे दीजिए, स्पार कर, जिसके साथ बुरिश होता है। अच्छा जी। पकड़ो पकड़ो चोर, 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 चोर। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं भाई साहब। जो पकड़ना चाहते हो तो भूख नाम की उस डायन को पकड़ो, जो गरीब की शारक का खून पीकर उसको जरायम की राह पर आमादा करती है। क्या छुपा रहे हो चन्नू? कुछ नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए डबल रोटी लाया हूँ, लो खा लो। सच बताओ बेटा, ये सब कुछ तुम कहाँ से लेके आई हो? झूठ बोलने की तुम ज्यादा तो नहीं डाली माँ? अगर सच बोलूंगा तो तुम मुझे मारोगी। सच बोलने के लिए फांसी भी चढ़ना पड़े तो देर ना करना बेटा, जल्दी बताओ ये सब कुछ तुम कहाँ से लेके आई हो? तुम्हारे बेटे से तुम्हारी भूख बर्दाश्त नहीं हुई माँ, ये सब कुछ मैं एक दुकान से चोरी करके लाया हूँ माँ। मुझे माफ कर दे माँ। नहीं नहीं, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। एक चोर की माँ कहलवाने से पहले मैं तुझे जान से मार दूंगी। बताओ तुमने चोरी क्यों की है? बोल बोलता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता? मालिक मकान हूं, मेरी इज्जत करो साबरा। जब 6 माह का किराया किराएदार के सर चढ़ जाए तो मालिक मकान किसी वक्त भी आ सकता है। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कहीं काम काज मिल जाए तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगी। ये झूठा वादा सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, तो चुपके से मेरा मकान खाली कर दे। उमर सेठ, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, इनको लेके मैं कहां जाऊं? वो तुझे छोड़कर माँ के साथ प्रीत लगा बैठा, पर तू मुसीबत की दलदल में अकेले रह गए। अफसोस, अब तेरी जवानी वो सीली दीवार है साबरा, जिसे सहारा ना मिला तो वो किसी वक्त भी गिर पड़ेगी। बेटे की माँ सदा सुहागन होती है सेठ। अपने आप को फरेब ना दो साबरा। तुम्हारा लुस लुस करता जिस्म देखकर मैंने ये फैसला किया है साबरा, अगर तू किराया अदा नहीं कर सकती तो फिर मुझे अपने चन्नू का बाप समझ के कबूल कर ले। चला जा यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। आज मैं अपना किराया वसूल करके जाऊंगा।
खुदा का वास्ता है थानेदार जी, इसे पकड़ के ना ले जाएं। ये मेरी कुल कायनात है, अगर इसे पकड़ के ले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी, अकेली रह जाऊंगी। इसको हम नहीं छोड़ सकते बीबी, इसने कत्ल किया है। अगर माँ की इज्जत बचाना तुम्हारे कानून में जुर्म है तो फिर आज के बाद कोई बेटा अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा। ले चलो इसे। कौन बदनसीब दुनिया की सबसे कीमती चीज को हमारे दरवाजे पे छोड़ के आया। लगता है मेरे खाली गोद की पुकार ने किसी माँ को अपने जिगर का टुकड़ा यहाँ छोड़ जाने पर मजबूर कर दिया है। आपदा, इस बच्ची को खुदा का अतिया समझ के कबूल कर लो। लगता है
खुदा ने तुम्हारी तड़पती ममता की फरियाद सुन ली है। खाना बर्बाद का बच्चे, ये पुलिस तुम्हारे पीछे कैसे लगाए? मैं अपनी माँ की इज्जत पर हमला करने वाले का कातिल हूँ खान चाचा। ओए जालिम बच्चे, तू तो अपनी लाइन का आदमी है, पर तू इस वक्त कहाँ जाएगा? एक बार घर जाके माँ का दीदार करना चाहता हूँ। तुम्हारा इस वक्त घर जाना खतरे की बात है बच्ची, पर अल्लाह मालिक है। आ मेरे साथ। ओ बच्ची, ये तुम्हारा गाड़ी? जी खान चाचा। इधर तो ताला लगी है। पता नहीं, हमारे घर को आज पहली दफा ताला लगा खान चाचा। इधर तुम्हारी जान को खतरा है बच्ची, तुम इधर रहेगा तो पुलिस तुमको गिरफ्तार कर लेगा। तुम मफरूर है, तुम फिक्र मत करो। तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें दुनिया में रहने का कुर्स सिखाएगा। हमारे साथ आओ कना। खान चाचा, पता नहीं मेरी माँ किधर होगी। एक बार मेरे बेटे से मिला दो। तुम बड़े अफलातून बच्चे की माँ हो, तुम्हारा बेटा रात का मफरूर हो चुका है। पुलिस उसको तलाश करने के लिए जगह जगह पे छापे मार रही है। अगर तुम्हें मिलने के लिए आए तो थाने इतला करना। लगता है एक छोटी सी जान रो रो के हलकान हो जाएगी। इसे तो चुप कराने की मैंने बड़ी कोशिश की है सरताज, मेरी तो बाहें भी थक गई हैं। एक तो तुम्हारे बाजू बहुत थकते हैं। लाओ मेरी बेटी मुझे दो। या अल्लाह, ये तो चुप करने का नाम ही नहीं लेती, अब क्या करे? सलाम बेगम साहिबा। बगैर इजाजत अंदर आने की माफी चाहती हूँ। आपकी बच्ची बड़ी देर से रो रही है, कहीं ये बीमार तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर तुम कौन हो? मेरा नाम साबरा आया है, मैं लोगों के बच्चे बहलाकर अपने फाके दूर करती हूँ। लाए, इसे मैं चुप कराती हूँ। हाँ दे दो। कमाल है, ये तो बिल्कुल चुप हो गई। हाँ मेरी मानो तो साबरा को रोशनी की आया रख लो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे यकीन है कि हमारी शफकत और साबरा की गोद की गर्मी में रोशनी बचपन की दहलीज फलांग के जवानी की हदें बहुत आसानी से छू ले। रोशनी
रोशनी। कोई बिजली कहे मुझको, कोई कहता है तूफान, कोई कहे दिल को मेरा, कोई कहे मेरी जान 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 जान। बोलो बोलो मेरा नाम क्या है, बोलो बोलो मेरा नाम क्या है। रोशनी 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 रोशनी। जानू बेटा, तस्वीरों में गुम होने वाले कभी हकीकत का मुंह नहीं देखते। तू इधर आके नाश्ता कर ले। माँ जी, ये तस्वीर तुम्हारे बेटे के दिल पर नक्श कर गई है। ये जानू का ख्वाब है। ख्वाब पछतावा बन जाते हैं बेटे। सपनों का पीछा करने वाले अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। माँ जी, मैं एक गरीब नजूमी का बेटा हूँ। मेरी मंजिल
मेरी मंजिल तो सिर्फ दो वक्त की रोटी है। दो रोटियों की दीवार के पीछे तो इस दुनिया का सारा निजाम चल रहा है जानू, मगर मुझे बताओ तो सही ये लड़की है कौन? ये लड़की इस शहर के सबसे बड़े रईस सिकंदर सेठ की बेटी है, और मॉडलिंग करना इसका शौक है। शौक की राहों पर चलने वाली ये लड़कियां बर्बादी के सीने पर अपना घोंसला बना लेती हैं बेटे, इनके बारे में सोचना मजदूर बच्चे का काम नहीं। ये ना कहो माँ। हाल रमल दलील, क्या चक्कर दे रहा माँ को? अन्नी दिया, आपस में कितनी बहस करते हो? अगर तुम मेरी खिदमत करो तो दोनों जन्नती हो सकते हो, दोस्ती हो। सारी जिंदगी दोजख में गुजार कर अब मुझे जन्नत में जाने का कोई शौक नहीं। याद रखो जानू के अब्बा, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, ये लकीरें शकीरें सब धोखा है धोखा। मेरे जज्बात को हवा न दे जानू की माँ, मैं अपने काम का आलिम, और तुम जैसे जाहिल आलमों को बेवकूफ समझते हैं। अब्बा जान, खुदा का वास्ता है, इस बात को यही सीज फायर कर दें, मुझे दफ्तर बहुत जरूरी काम से जाना है। जाओ, तुम्हें किसने रोका है? मैं जाऊं? जाओ, कभी घर खाली छोड़ दो। जानू दी माँ, जी जी जी, मेरा मतलब था, मेरा मतलब था मैं आपका मतलब समझ गई हूँ, लड़का वापिस भी आ सकता है। लगती लानत मेरे जज्बात पे। इस तरह तुमने फैंसी जो की बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई है, वेरी गुड कवरेज यार, मगर ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर नहीं जवाद, वो ख्वाब है जिसकी ताबीर सिर्फ मैं देखूंगा, सिर्फ मैं। अच्छा, मगर आज तक किसी ने ख्वाब का फोटो बनाया नहीं? फोटो तो बन गया जवाद साहब, बस अब इस तस्वीर के रंगों को अपने दिल का खून देके यादगार बनाना चाहता हूं। यादगार? हाँ, तुम्हारे उल्टे सीधे लफ्ज ये साबित करते हैं ये तस्वीर बहुत खूबसूरत लड़की की है। हुस्न और खूबसूरती उस मिसाली चेहरे के गुलाम है जवाद साहब। लगता है तुझे तस्वीर वाली से इश्क हो गया है, पर याद रखना जानू, इश्क दीवाना हो जाए तो इंसान को जान से मार देता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसी लड़की के करीब आकर इतनी जोर से ब्रेक लगाना इंतहाई बदतमीजी है। खूबसूरत चीज को देखकर तहजीब के दायरे में रहना जोशे की आदत नहीं। शराब, लगता है तुम्हें किसी अच्छी माँ ने जन्म नहीं दिया। तूने मेरी माँ को गाली दी है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारी माँ सड़कों पर पागलों की तरह बैंड डालती फिरेगी। तारा, इस खूबसूरत गुड़िया जैसी परी को इस शहर के पुर रौनक जंगल में से उठाकर साथ ले चलेंगे। कमान है जिसने मेरी मोटरसाइकिल चोरी की है। तुमने मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराई थी? बकवास बंद करो मेंढक, और इस लड़के को गिरफ्तार कर लो। नो सर, मैं इतने खूबसूरत नौजवान को हथकड़ी नहीं लगा सकता। हवलदार साहब, मैं चोर नहीं, मैं तो रोशनी को गुंडों से बचाने के लिए ये चोरी की थी। ब्यूटीफुल मोहतरमा, इस लड़के का शुक्रिया अदा करो, इसने आपकी खातिर बड़ी मार खाई है,
देखें इसका मुंह लोटे जैसा निकल आया है। मैं जानती हूँ इस लड़के ने हीरो बनने की नाकाम कोशिश की है। शुक्रिया के तौर पर मैं इसको कुछ पैसे भेज दूंगी, मगर आइंदा मेरी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश ना करना। हूँ मर गया अब्बा, मर गया अब्बा नहीं मर गया, तू मर गया। जबान दांतों के नीचे रख, घर को मैं अस्पताल बनाया हुआ, दिखा हाथ मुझे। हाँ हाँ। क्या हुआ, मेरे हाथ में करंट आ गया या अपनी तस्वीर देख ली है? नहीं बेटा जी, ये साल तुम पर बड़ा गर्दिश वाला चढ़ा। तो अगले साल क्या होगा? अगले साल तुम आदि हो जाओगे अन्नी दया। अब्बा जी जोर जोर दुख रहा है, जालिमों ने बहुत मारा है। आप किधर थे? मैं तेरी माँ की गोद में सोया हुआ था। तू ये बता, ये गुब्बे खाने की आदत तुम्हें कहाँ से पड़ी? अब्बा जी विरासत में मिली है। ओए, मेरा मतलब है कुछ मॉडर्न से गुंडों से लड़ाई हो गई थी, एक लड़की की इज्जत जो बचा रहा था। तुम्हें क्या जरूरत है किसी की इज्जत बचाने की, जिसकी इज्जत है वो खुद बचाए। तू 30 दिन खुदा के मार खाएगा। मुँह बुरा हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। ये वही मुँह है जिसे बारी में से लटक लटक के देखती थी और गाने गाती थी, जादूगर सैया दो चपेड़ा पैया, हो गया भूथा लाल अब घर जाने दो। लकीरों के जाल में फंसकर हमारी तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लोगों की किस्मत का हाल तो बताते रहते हो, कभी अपनी किस्मत बदलने का भी सोचो। बस कर दे, बस कर दे। सारी जिंदगी नसीहतें करती रही लेकिन उसने मानी एक नहीं। अब बेटा बिगड़ रहा है, उसका कुछ सोच। चलो बेटा, उठ बेटा, दूध पी ले। गुजरती जाती है।
जरानाब घबरा बेदर्दी रात गुजरती जाती है ओए रात गुजरती जाती है दिल को ना तड़पा गले लग जा बेदर्दी रात गुजरती जाती है ओए रात गुजरती जाती है सांसों में घुल मिल जा मुझको ना तरसा मेरे पास आ बेदर्दी रात गुजरती जाती है ओए रात गुजरती जाती है अब्बाजी मुझे बचा ले आज तो मैं बहुत थक गई हूं रेडी जवानी में थकने वाले अपना बुढ़ापा दीवारों का सहारा लेके गुजारते हैं अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब वालेकुम सलाम कौन हो तुम सर मेरा नाम जानू है और मैं एक फोटोग्राफर हूँ पर मैंने तो किसी फोटोग्राफर को नहीं बुलाया जल्दी से अपने आने का मतलब बताओ जी दरअसल पार्टी में आपकी तस्वीर अच्छी आई थी तो मैंने सोचा आपके बेड की जीनत बना दूं दिखाओ जी गुड वेरी गुड तस्वीर तो अच्छी है तुम इसकी लाइफ साइज एनलार्जमेंट करके भिजवा दो ये लो एडवांस मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर जरूर हूं मगर ये तस्वीर मैं अपनी मर्जी से रोशनी को गिफ्ट करना चाहता हूँ मिस्टर जानू मैंने कभी किसी अरे गरे का तोहफा कबूल नहीं किया अगर ये तुमने चेक वसूल ना किया तो फिर अपनी तस्वीर वापस ले जानी पड़ेगी शायद आप जानती नहीं कि तोहफे की कोई कीमत नहीं होती रोशनी ये लड़का खासा अकलमंद है लगता है इसके जहन में कोई बड़ा काम है ठीक है तुम तस्वीर भिजवा देना हम तोहफा समझ के रख लेंगे ओके पापा ये बदतमीजी नहीं मेरी मोहब्बत का खामोश ऐलान है तेरी ये घटिया हरकत किसी शरीफ लड़की के लिए बदनामी भी बन सकती है इश्क बदनाम ना हो तो अपनी महराज तक कभी नहीं पहुंचा कि एक दिन आएगा कि तुम्हें आई लव यू जानू कहना पड़ेगा ये मेरी जिद है शट अप एंड गेट आउट रोशनी वो लड़का कौन था बेटी ये जलील लड़का खूंखार मेरे पीछे पड़ गया है पर वो तुम्हें क्या कह रहा था वो कमीना जबरदस्ती मेरे साथ इश्क करना चाहता है आया मां बेटी याद रखना हर औरत की जिंदगी में सच्चा प्यार एक बार उसके दिल के दरवाजे पे दस्तक जरूर देता है अगर आंख की परख धोखा खा जाए तो औरत अधूरी रह जाती है तू नहीं जानती आया मां जानू एक मामूली फोटोग्राफर है वो मेरी तस्वीर तो उतार सकता है मगर उसको मेरी मर्जी के कीमती फ्रेम में महफूज नहीं कर सकता
बात तो सुन लो। नहीं नहीं, मैंने तेरी आंख में गुनाह की परछाई देखी। मम्मी, डैडी। रोशनी, पापा, ये लड़का जबरदस्ती मेरे साथ इश्क करना चाहता है और आज आज मेरे कमरे में भी आ गया है। सेठ साहब, यकीन करें, मैंने रोशनी से सच्चा प्यार किया है और मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। सेठ साहब, तूने मेरी इज्जत की दीवार को नकब लगाने की कोशिश की है। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा ताकि तू दोबारा कभी ये जुर्म न कर सके। नहीं सरताज, हमारे घर रात के वक्त पुलिस आए तो हमारे माथे पर बेटी की बदनामी की मोहर लग जाएगी। इसे कहो यहाँ से चला जाए। अगर दोबारा तूने रोशनी को तंग करने की कोशिश की तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। जा, तब हो जा, जा। पापा, फिक्र न करो बेटा, तुम्हारा बेटा मेरे घर की रोशनी चुरा के अपने घर का अंधेरा दूर करना चाहता है। और ऐसी कोई बात नहीं सेठ साहब, बैठकर गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। गिले शिकवे अपने बराबर के लोगों के साथ किए जाते हैं चराग्दीन। जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा कॉलर पे चढ़ जाए तो उसे उंगली की ठोकर से गिरा देते हैं। आप किस कीड़े की बात कर रहे हैं सेठ साहब, मैं तो खुद कीड़ों से बड़ा डरता हूँ। झूठ बोलते हो तुम। मेरी बेटी आसमान का सूरज, तुम्हारा बेटा फकीर की कुटिया का दिया है। सूरज को चराग दिखाना हिमाकत है। सेठ साहब, आप अपनी दौलत के गरूर में हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता है, हमारी कुछ बेइज्जती सी नहीं हो रही। अगर बेइज्जती से बचना चाहते हो तो कह दो अपने बेटे को कि मेरी बेटी को तंग करना छोड़ दे। वो उस लफंगे से नफरत करती है। अगर आज के बाद तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत की बुलंदी की तरफ देखने की कोशिश की तो मैं उसे हथकड़ियां पहना के जेल उसका मुकद्दर बना दूंगा। ये क्या हो रहा है जानू के अब्बा? तेरे पुत्र ने घोर डिग्री ली हो, बड़ा गंदा किराया या नहीं दिया। जानू दी मां, मैं किथे हां? आपने जानू के बाप के कान खींच कर बड़ा अच्छा किया सरताज। मुझे यकीन है आज के बाद उस नजूमी का लफंगा बेटा रोशनी को तंग नहीं करेगा। रोशनी के पापा, आपने अभी तक रोशनी को वो खुशखबरी नहीं सुनाई? हाँ रोशनी, बेटा तुम्हारा बचपन का साथी और मेरे जिगरी दोस्त का बेटा फरहान कल अमेरिका से यहाँ सैर तफरी के लिए आ रहा है। ओ पापा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में मैं और फरहान एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। माय गॉड, इस मुल्क में तो बहुत गर्मी है। बाहर की बड़ी हवाएं खा के आयो, अब यहाँ की गर्मी भी खा के देखो। रोशनी, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। अच्छा। पापा, आज मैं फरहान को लेकर दरिया रावी पे जा रही हूँ, वहाँ कश्ती में बैठेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। अपना ख्याल रखना। तो बा, मुझे तो पानी से बड़ा ही डर लगता है। अच्छा, उम्र का तकाजा है। वैसे मुझे याद है कि जवानी में तो तुम बहुत निडर थी। तौबा है, आप तो मुझे हर वक्त मेरी उम्र ही याद कराते हो। फरहान, अब हम चलते हैं, महाज पर जंग का ऐलान हो चुका है। चलो आ जाओ। चलो भाई। चाय कहाँ रह गई? रोशनी, मैंने तुझे हमेशा के लिए अपनाने का फैसला कर लिया है। अच्छी तरह सोच लो, जल्दबाजी का किया हुआ फैसला इंसान के लिए पछतावा भी बन जाता है। नहीं रोशनी, मेरा ये फैसला कभी पछतावा नहीं बन सकता। मैं आज ही अंकल सिकंदर से तुझे हमेशा के लिए मांग लूंगा। रोशनी, इससे कह दो कि तू सिर्फ जानू की इमानत है और ये फैसला असल से हो चुका है। ये बदतमीज कौन है? एक दीवाना है और मुझे बदनाम करना चाहता है। ये ना कहो रोशनी, मैं दीवाना जरूर हूं मगर तुम्हारी बदनामी जानू की मौत। ढीठ लोग जल्दी मरते भी नहीं। अगर तुम हुक्म करो तो जानू अपनी जान दे सकता है। Shut up! पापा,
अगर मैंने तुम्हें मारा तो रोशनी को तकलीफ होगी, इसलिए मैं तुम्हारे इस थप्पर को अपने इश्क का पहला इनाम समझकर कबूल करता हूं। इसका मतलब है तुम्हें बहुत सारा इनाम चाहिए। बस कर दो फरहान, बस कर दो, नहीं तो ये मर जाएगा। रोशनी, आज पहली बार तुम्हें मुझ पर तरस आया है। मुझे यकीन है कि दूसरी मर्तबा मुझ पर प्यार जरूर आएगा। हाँ, कल रात तुमने एक सालगिरह पार्टी में फोटोग्राफ बनाने हैं, ये उनका इनविटेशन कार्ड है। ठीक है सर, मैं परसों प्रिंट बनवा कर आपके पास ले आऊंगा। हाँ जानू, ये सालगिरह सेठ सिकंदर की बेटी की है और काम हमेशा की तरह आला और म्यारी होना चाहिए। दिल के कैमरे की आंख से बने हुए फोटो हमेशा यादगार हो जाते हैं जवाद साहब। मैं सालगिरह के एक लम्हे को हसीन तरीन करके अपने कैमरे में महफूज कर लूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने एक खुशी में दूसरी खुशी भी शामिल करने का फैसला किया है। सालगिरह के मौके पर मैं अपनी बेटी रोशनी और अपने जिगरी दोस्त के बेटे फरहान की मंगनी का ऐलान करता हूं। मैं तुम्हें मंगनी की मुबारक इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यह मंगनी तुम्हारा मेरे प्यार के मिलाप में दीवार नहीं बन सकती। ए, चुप करके यहां से चले जाओ, नहीं तो पुलिस बुला के हथकड़ियां लगवा दूंगा। मैंने इतना ढीठ आशिक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तू इश्क की ताकत को क्या जाने मिस्टर, आशिक तो पत्थरों की चुप को तोड़ के भी हां करवा लेते हैं। इस जिद्दी से मैं खुद बात करूंगी। बताओ जानू, आखिर तुम चाहते क्या हो? तेरा नाम तेरा नाम मेरी जिंदगी और जान सोनी, जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी। तेरा नाम मेरी जिंदगी और जान सोनी, जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम मेरी जिंदगी और जान सोनी, जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी। तेरा नाम तेरा नाम नहीं सकता मेरा इश्क दीवाना, मेरा इश्क दीवाना। दूर तुमसे रह नहीं सकता मेरा इश्क दीवाना, मेरा इश्क दीवाना। दुनिया जाने बिछड़े कभी ना, शम्मा से परवाना। सोनी, जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम।
प्यार में बुबन जिसका हो उसका भी क्या जीना, उसका भी क्या जीना। प्यार में बुबन जिसका हो उसका भी क्या जीना, उसका भी क्या जीना। प्यार नहीं तो जहर पिला दे तेरे हाथ से पीना, तेरे बिना किस काम का जहान सोनी, जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी। तेरा नाम मेरी जिंदगी और जान सोनी, जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी, जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी। जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोहणिए, ईमान सोहणिए, ईमान सोहणिए, ईमान सोहणिए। मैं तुम्हारी सालगिरह पर कोई तोहफा नहीं ला सका, मगर तुम्हारे इस थप्पड़ को मैं तुम्हारी तरफ से अपने प्यार का पहला तोहफा समझकर कबूल करता हूं। हमें मुजरिम की शनाख्त कराएं सेठ साहब। इस जिद्दी लफंगे ने भरी महफिल में हमारी खुशी के मुंह पे अपनी गुस्ताखी का थप्पड़ मारा है इंस्पेक्टर, इसे बगैर इजाजत हमारे घर में दाखिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो। मुजलिन। यस सर। इस बदमाश को हथकड़ी लगा लो। ओके सर। ये पकड़ो अपना मुजरम। ओए पकड़ता हूँ पकड़ता हूँ, तुम तो जाओ। चलो मैं जा रहा हूँ। रोशनी, आज तुमने अपने जुर्म की इंतहा की है, लेकिन मैं अपने सब्र की इब्तिदा करता हूँ। याद रखना एक दिन आएगा कि तुम मुझे अपना कहने पर मजबूर हो जाओगी। चलो आगे लगो, थाने जाके कहोगे हाय। निया जी, आप कहां यहां अगरबत्तियां बेचने आए हैं? पता नहीं किस किस कौम का आदमी पुलिस में भर्ती हुआ हुआ। मैंने कहा चाचा तुम्हारे तोते पर तो केस हो गया है। तोता तो मर गया बेटे, मिट्टी बहुत खाता था। और तुम जाके बरातें लूटा करो, तुम यहां कहां फंसे हुए? आपको किसने बताया? ओहो, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। आइए जनाब चिरागदीन साहब, बड़े ठीक मौके पे आए हो। मेरी प्रमोशन फाइल बिल्कुल तैयार हो गई है। जरा ढांचा बनाकर ये तो बताओ कि मेरे ये फूल स्टार्स में कब तब्दील होंगे? मोतियां लियो, आपका हाथ फिर किसी दिन देखूंगा, आज तो मेरे साथ हाथ हो गया है। क्या मतलब? मैं एक मुल्जम का बाप बन के यहाँ आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि जानू तुम्हारा बेटा है? हाँ जी, गलती से इसकी वल्दियत में मेरा नाम लिखा गया है। अगर आप कहें तो मैं इससे मिलूं। हाँ, तुम अपने बेटे को मिल सकते हो। शुक्रिया। टोपी वाले पहले मुझे तो मिलो। मुझे कोई मिलेगा तो तुम्हें मिलूंगा ना, मैं जरा मसरूफ हूँ। हम भी फार्म मसरूफ हैं। शट अप। जान मोहम्मद। सलाम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। बताएं अम्मी का क्या हाल है? बुरा हाल है। अगर माँ बाप की बात मानी होती तो आज तुम्हारे और हमारे दरमियान ये लोहे की सलाखें ना आती। और यन्नी दिया, अपनी जवानी के तराजों में हमें और अपने इश्क को बराबर रख के तोल दिया है। क्या सिला दिया हमारे लाड प्यार का, क्या सिला दिया। आपा जी, आप और अम्मी मेरी जन्नत हैं, मगर रोशनी इस जन्नत का फल है। मैंने सारे जमाने के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान किया है, आपकी बेअदबी नहीं की। चिराग दीन के घर का अंधेरा तेरी रोशनी दूर नहीं कर सकती, उसे बोल जा जानू, उसे भूल जा। मेरी तरफ देखो चरागदीन साहब, गलतियां बच्चों से होती रहती हैं। मैंने तुम्हारी तरफ से माफीनामा लिख दिया है, तुम इस पर साइन कर दो। सेठ साहब को मैं खुद मना लूंगा, तुम अपने बेटे को साथ ले जा सकते हो। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। कोई बात नहीं, अल्लाह करे आप जैसे अफसर रातों रात इस मुल्क के बादशाह बन जाए। मेहरबानी। मगर कहां, चलो नहीं दिया। चलो। Thank you.
तेरे कपड़े बड़े मनहूस थे, इसलिए मैंने तुझे नए कपड़े दिए हैं कि ये पहन के अपनी माँ को मिलने के लिए तूने जाना है। और अगर मैं थाने में ना आता तो उन्होंने हर किस्म का छित्र अजमा कर। इस लड़की से इश्क कर रहे हो, इसकी कोई मासी मुसी है? नहीं है। चलो दफा कराओ, अब मेरे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि मैंने तुमको एक कहानी सुनानी है और इसमें बोलना भूलना नहीं है। हाँ, एक दफा का जिक्र है कि मैं एक जंगल में जा रहा था, आगे से मिल गई एक चुड़ैल। तो नानी जी ने कहा था चुड़ैल मिल जाए तो अपने कपड़े उतार दो। मैंने कमीज उतारी और कहने लगी कि माफ कर दो भाईजान, इतने मैंने तुम्हें लतीफे सुनाए हैं, कहानियां सुनाई हैं, ना तुम हंसे ना तुमने जवाब दिया। ये तो अन्नी का नहीं, ये तो गधी है। मैं जानू के हाथों बड़ा तंग आ गया हूँ। बचपन में मुझे तंग करता था, बार मोरी पे बैठ जाता था, अब्बा जी बस पिट्ठी तो दियो। आखिर तू मुझे बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहा है? इश्क की आग पर बदनामी का तेल पड़ जाए तो फिर प्यार के शोले आसमानों की बुलंदियों को छू लेते हैं। जानू, तू एक समझदार लड़का है, तू जानता है कि मैं तुझे पसंद नहीं करती। मैंने अपनी मोहब्बत की कश्ती को तुम्हारे नफरत के शोदरिया में बहा दिया है। मुझे यकीन है किनारा आएगा और मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। नफरत के तूफान में उम्मीद का दिया जला के बैठना हमाकत है। मायूसी कुफ्र है, ये भी तो सदाकत है। मेरी जिंदगी का मालिक कोई और है, ये तो अच्छी तरह जानता है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं रोशनी, इंसानों के किए हुए फैसले मुकद्दर की चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो जाते हैं। मगर मेरा फैसला ये है कि मुझे तेरे जैसे ढीठ लोगों से सख्त नफरत है। आई हेट यू। मेरा ये फैसला कभी पछतावा नहीं बन सकता। मैं आज ही अंकल सिकंदर से तुझे हमेशा के लिए मांग लूंगा। जोड़े आसमानों पर बनते हैं रोशनी, इंसानों के किए हुए फैसले मुकद्दर की चट्टान से टकरा कर पाश पाश हो जाते हैं। अरे मैं मर जाऊं, खूबसूरत चेहरे और दुश्मनी मुझे हमेशा याद रहती है प्यारे। मुझे यकीन है हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद होगी। मैं भूली नहीं, मुझे तो पहली मुलाकात में भी घटिया और छिछोरा लगा था। नहीं, मुझे घटिया उस वक्त कहना
जब तुम्हारी इज्जत को तार तार देखकर इन दरख्तों के परिंदे भी ऊंची ऊंची बैल डालेंगे। नहीं नहीं तो तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हाँ कहो। हुनों से बचा लो फरहान, ये मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहते हैं। खबरदार, अगर तुमने रोशनी की तरफ पांव उठाया तो मैं तुम सबको थाने बंद करवा दूंगा। पुलिस मौके वारदात पर हमेशा देर से पहुंचती है, मगर हम तुम्हें पुलिस तक पहुंचने का मौका नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुम रोशनी को हाथ नहीं डाल सकते। चल बे, चल, भाग जा यहां से, भाग जा। आज हम रोशनी की इज्जत का दिया बुझा देंगे। चल बे, यहां से तीर हो, गैरतमंद बनने की कोशिश ना कर। चल, नहीं तो गोलियां मार दूंगा। ये बलाती चूजा तो भाग गया है, सफेद कबूतरी। अपने इस यार के भागने का अफसोस न कर रोशनी। ये आंसू जब तुम अपनी लूटी हुई इज्जत की लाश पर बहाओगी तब बड़ा मजा आएगा।
लगता है तुम पिछली बार की मार भूल गए हो, लेकिन इस बार मैं इस जंगल के हर दरख्त को तुम्हारे लिए सूली बना दूंगा। ओए, तेरे से पहले भी यहाँ एक गैरतमंद आया था जो मेरे माथे के तेवर देख के भाग गया है। जिंदगी चाहते हो तो तुम भी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो रोशनी को बाल खोलकर अपनी लूटी हुई इज्जत और तुम्हारी मौत पर मातम करना पड़ेगा। मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें जिंदगी की जरूरत हो। मैं आज मौत बनकर मौत से टक्कर लूंगा। चला गोली, चला गोली। मुझे अस्पताल लेकर चलो। जानू, अच्छा बेहतर, मुझे मर जाने दे। मेरी रूह और मेरा जिस्म तेरे दिए हुए जख्मों से चूर चूर हो गया है, चूर चूर हो गया है। तस्वीर तुम्हारे कमरे में देखी थी बेटा। ना सलाम ना दुआ, जानू कैसे हो बेटा? इधर बैठ के ना इसके कुछड़ में तो इधर गुफ्तगू करो। हाँ रोशनी, मेरे माँ बाप बहुत सीधे लोग हैं, इनकी बात का मायने करना। अपनों की बात का कोई मायने नहीं करता बेटा, लड़की काफी बोल्ड है ना। अंकल ये हॉस्पिटल है, ज्यादा शोर ना डाले।
सिकंदर की बेटी किसी गरीब और छिछोरे लड़के की तीमारदारी करती अच्छी नहीं लगती। पापा, आपके दोस्त का तालीम याफ्ता बेटा मुझे गुंडों के हवाले करके भाग गया था। अगर वक्त पर आकर जानू मेरी इज्जत ना बचाता तो आज आपकी बेटी की इज्जत बेआबरू हो जाती। गरीब एहसान करे तो उसे उसके एहसान से बड़ी रकम दे के फारिग करना हमारी शान है, पर गरीब मोहब्बत करे तो उसकी मोहब्बत का जवाब देना इंसानियत का मान है। रोशनी, लगता है तुम्हारे मुंह में इन गरीबों की जुबान बोल रही है। नहीं पापा, आज आपकी बेटी इंसाफ का तराजू पकड़कर पूरा तोल रही है। तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हारी बगावत का ऐलान है। मैं बागी नहीं, मगर जानू का इश्क मेरा ईमान है। सोने चांदी के महलों में बसने वाली रोशनी ने एक गरीब की झोंपड़ी में रहने का ख्वाब देखा है, मगर सेठ सिकंदर के होते हुए इन गरीबों की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। हमारी चुप को हमारा अदब समझे सेठ साहब। अगर आपकी बेटी और इस सन्निधि ने मिलकर प्यार का घोंसला ढाल ही लिया है तो इनके दिल न तोड़े, वरना इनके दिलों से निकलने वाली आह आपके महलों को जलाकर राख कर देगी। बकवास बंद करो, छोटे लोगों के मुंह लगना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। चलो रोशनी, मैं इनकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानू रोशनी चलो। पापा प्लीज। अब्बा जी, मेरी रोशनी को इस जालिम से बचा लीजिए, इसे ना जाने दीजिए, इन्हें रोक लीजिए। अब्बा जी इन्हें रोक लें। बदनामी की स्पोर्ट को घर में कैद कर लो आपका, नहीं तो इसके किरदार की स्याही मुआशरे में मेरे वकार का मुंह काला कर देगी। मगर हुआ क्या है, आखिर कुछ पता भी तो चले। तुम्हारी बेटी मेरे घर की रोशनी चुरा के अपने गरीब आशिक का मुकद्दर रोशन करना चाहती है। आज इस बदबख्त ने उस दो टके के लड़के के सामने अपने पालने वाले को खाक में मिला दिया है। रोशनी, मैंने अपने प्यार का इकरार करके कोई जुर्म नहीं किया। मम्मी, जानू मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तुम्हारी गुस्ताख जुबान पर जानू का नाम आया तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। जहाँ प्यार दफन हो जाए वहाँ ताजमहल बनता है पापा। जब ताजमहल बन जाए वहां प्यार करने वाले हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। रोशनी, तुम अपने पापा की तौहीन कर रही हो। ये तौहीन नहीं बुजदिल, मुझे अपने प्यार पे फखर है। जानू ने अपनी जान पर खेलकर रोशनी के दिल में प्यार का दिया जलाया है। तू तो अपनी जान बचाकर मुझे गुंडों के हवाले करके भाग गया था। ये तो जानू का इश्क दीवाना था जिसने मौत का मुंह फेर दिया। रोशनी, बस करें रोशनी के पापा, इसे मैं खुद समझा लूंगी। नादानी के सैलाब में नसीहतों की दीवारें गिर जाती हैं आदा। फरहान, ये संकल्प, इस बदनसीब को इसके बेडरूम में बंद कर दो। ये तुम्हारी होने वाली बीवी है, आज के बाद इसकी हिफाजत तुम खुद करोगे। मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है अंकल। आज के बाद रोशनी आपके वकार की दहलीज फलांग के नाफरमानी की चौखट पे पांव नहीं रखेगी। छोड़ दो मुझे, मैं वो नारकली नहीं जिसे जालिमों ने रस्मों की ऊंची दीवारों में चुन दिया था। मेरा नाम रोशनी है, मैं इन ऊंची दीवारों को फलांग जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दे। मुझे जाने दो फरहान, चानू की हालत बड़ी खराब है। सॉरी रोशनी, मैं अंकल के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। सान ही पत्थर है, तेरे पथरीले वजूद में एहसास नाम का कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं। शराब, शादी के बाद मैं तेरी हर बदतमीजी का जवाब जरूर दूंगा। फरहान प्लीज। गुड बाय रोशनी। फरहान प्लीज, फरहान प्लीज। जानू,
डॉक्टर साहब आप जानू कहाँ है? जानू यहाँ है, ये जानू है। हमें तकियों की मार मार गया जानू की माँ, यन्नी का पता नहीं कहाँ भाग गया है। तेरा नाम नहीं सकता मेरा इश्क दीवाना, मेरा इश्क दीवाना। दूर तुमसे रह नहीं सकता मेरा इश्क दीवाना, मेरा इश्क दीवाना। दुनिया जाने बिछड़े कभी ना, शम्मा से परवाना। सोनी जैसे आशिकों का इश्क ईमान सोनी। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। रोशनी, तेरे मुंह में जानू की आवाज बोल रही है और आज मैं इश्क की ये आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रोशनी का फरार हमारी इज्जत की मौत है। अब तक रोशनी ने हमारे एतबार की जमीन पे अपनी बगावत का परचम गाड़ के हमें बेआबरू कर दिया है, बेआबरू कर दिया है। काश रोशनी हमारा अपना खून होती तो हमारे घर की ऊंची दीवारों पर बदनामी के काले साए मातम ना करते। नहीं बेगम साहिबा, रोशनी का खून चश्मे के पानी की तरह पाक है, पर माँ बाप को बेटियों की जिंदगी का फैसला करते वक्त उनसे मशवरा जरूर कर लेना चाहिए। आया।
नौकर और मालिक का फर्क मिटाने की कोशिश न कर। तुझे हमारे खानदानी मामलात में दखल देने की जरूरत कैसे हुई? रोशनी हमारा अपना खून नहीं, इस राज की कब्र अपने दिल में बना लूंगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। शेर साहब, सर कोई काम था तो मुझे घर बुला लेना, आपने तकलीफ क्यों की, तशरीफ रखिए ना। हर काम की अपनी अपनी नौयत होती है इंस्पेक्टर। कोई खास काम लगता है? अपने अमले से कहें कि मुझे जरा तन्हाई चाहिए। तुम सब लोग जाओ, जिन्निया वगैरह मैं बाद में भर लूंगा, तुम जाके बारक में आराम करो। बारक में चल भाई, बारक में चले। सेठ साहब, ये ठीक है कि मैंने वर्दी सरकारी पहन रखी है, लेकिन चाकरी आप ही के करते हैं। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी चिराग दीन नजूमी के बेटे जान मोहम्मद ने अगवा कर लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। सर जी, आप ऐसा करें कि आप पर्चा कटवा दें, इंशाल्लाह ताला 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी बेटी बरामद कर लूंगा। मेरा ख्याल है फजी पैसे लेके आ गया, उसको चल के बताता हूँ कि तुम्हारी मज मलक मानुल्ला के पास से मिलेगी। आ जाओ, इस घर में पर्दा कोई नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, बाहर से कैसे आ रहे हैं, अंदर तो आओ। बिस्मिल्लाह, पुलिस और मेरे घर में खैर तो है? और बच्चा लबन, ये बता कि तेरा बेटा कहाँ है? आपको उसकी क्या जरूरत पड़ गई? चालाक बनने की कोशिश न कर, तेरे बेटे जानू ने सेठ सिकंदर की बेटी को अगवा किया है। मेरा बेटा तो खुद सात बेटियों जैसा है इंस्पेक्टर साहब, उसने किसी की बेटी को क्या अगवा करना है? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मुझे सीधी तरह यह बता दो कि वो दोनों कहां है। अगर वालदैन का बस चले तो औलाद को आंखों से दूर ना होने दे, मगर जवान औलाद पर वालदैन का बस नहीं चलता इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारी जज्बाती बातें कानून को धोखा नहीं दे सकती। हमें यकीन है कि सेठ सिकंदर की बेटी को अगवा करने में तुम्हारा भी हाथ है। मेरी सदाकत पर इल्जाम ना लगाए इंस्पेक्टर साहब, सारा जमाना जानता है रमल फाल के झूठे काम में भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इतना सच्चा बनने की कोशिश ना कर चराग दीन, सीधी तरफ बता दे, नहीं तो मैं तुझे उल्टा टांग दूंगा। मुझे उल्टा सीधा करने की कोई जरूरत नहीं इंस्पेक्टर साहब, जानू और रोशनी के फरार की खबर भी मैंने आपसे सुनी। चराग दीन, मैं तुझे सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूं, अगर तूने थाने आके उन दोनों के बारे में आके ना बताया तो मेरी छित्तर परेड तुझे इसी तरह दीवाना बना देगी। अन्नी दिया, सारा बाप पे चला गया। मेरी मासूम बेटी को एक आवारा गुंडे ने अगवा कर लिया है। ओए खुदाए पाका, तौबा तौबा, इसका मतलब है तुम्हारा चोकरी किसी चोकरे के साथ पाक किया। ये जख्म सेठ सिकंदर की इज्जत और वकार की मौत भी बन सकता है, लेकिन हम इस मौत का रुख उस लड़के की तरफ मोड़ देना चाहते हैं जिसने हमारी शराफत के मुंह पे बदनामी की कालक मल दी है। तो तुम उस बेगैरत का नाम बताओ सेठ, बस फिर समझ लो उसका दाना पानी इस दुनिया से उठ गया। मुझे ना मारना चंगेजा, मुझे माफ कर दो, अल्लाह की कसम मैं अपनी सारी दौलत तुझे दे दूंगा। है सारी दुनिया की दौलत मिलकर भी चंगेजे का सून नहीं खरीद सकती सेठ, तुमने इंसानों का खून बेचकर बड़ी दौलत इकट्ठी की है, पर देख लो आज तुम्हारी सारी दौलत मिलकर भी तुम्हारा एक सांस भी नहीं बढ़ा सकती।
मेरी रात जाना छोड़ दे इशरत। तू भी मुझे इंतजार की सूली पे लटकाना छोड़ दे चंगेजा। बाज के साथ उड़ने वाली चिड़िया रास्ते में थक कर मर जाती है। प्यार के परों पर उड़ने वाली चकोरी मर के भी अमर हो जाती है। तुम नोट देखकर तमाशबीनों के इशारों पर नाचती हो तो लोग मुझे नोट दिखाकर इंसानों की शाहरख का खून पीने पर मजबूर कर देते हैं। याद रखना, किराए की औरत और किराए के कातिल को प्यार करने का कोई हक नहीं। मैं तो वाइफ जरूर हूं पर मैं तुम्हें प्यार करती हूं और इस बात में कोई शक नहीं। तो वाइफ से औरत बनने की कोशिश ना कर इशरत। मेरी चाहत को तेरी आरजू का गहरा रंग चढ़ चुका है सजना। अब जिस रंग में तू ढालेगा ढल जाऊंगी। फालतू बातें छोड़ो और घुंघरू बांध कर मेरा दिल पिशौरी करो। घुंघरू बांध कर, तबले बजाकर और ऊंची ऊंची गाकर हम तमाशबीनों के जमीर के कान बंद कर देते हैं। पर आज मैं अपने साजन को अपने अंदर की आवाज जरूर सुनाऊंगी। आज मेरे दिल की धड़कन घुंघरू बनकर छन छन करेगी। आज की शाम तुम्हारे नाम करके इस शाम का मान बढ़ाऊंगी।
किरा का वो मुसाफिर हूं, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे प्यार नहीं व्यापार समझकर मिला करो। ओ खाना आबाद का बच्चे, खतुम इधर छुपा बैठी है। ओ कसम खुदा के हमने तुमको पूरे शहर में तलाश किया पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला, तो हम जानती तो हमको इधर ही मिलेगा अपनी बुलबुल के पास। आज काम की बात करो, लगता है किसी के सर की कीमत तो नहीं ले आए। ओए जालिम बची, तुम नजूमी है नजूमी। ओए लाना तुम कौन हो, क्यों मुंह उठा के अंदर जाती है? उस्ताद दुल्हा ने मुझे मकतूल का नाम बता दिया है। सेठ, तुम अपनी दौलत के चबूतरे पर खड़े होकर चंगेज़ कातिल को खरीद सकते हो तो खरीद लो। इसका मतलब है तुम दुल्ले खां के शागिर्द हो। उस्ताद दुल्ले खां कहो सेठ, चंगेज अपने उस्ताद का अदब बाप से बढ़कर करता है। बहरहाल मैंने जानू के सर की कीमत 1,00,000 रुपया लगाई है। इंसानी जिंदगी के व्यापार को इतना सस्ता ना करो सेठ, रकम खुल कर लगाओ। सौदा हो गया तो जूंगे में तुम्हारी बेटी भी मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी बेटी की वापसी चाहिए। अगर अपनी जिद की हद को हद दिखाना चाहते हो तो फिर जानो के सर की कीमत 3,00,000 रुपया अदा कर दो। मुझे ये सौदा मंजूर है, 1,00,000 रुपया एडवांस समझ के ले जाओ, बाकी की रकम अपनी इज्जत के दुश्मन की लाश में खड़ा होकर अदा कर दूंगा। तो फिर सौदा पक्का समझो सेठ, मगर एक बात याद रखना, अगर बाकी की रकम में कोई हेरा फेरी की तो मैं तुम्हारे सर का मुआवजा अपनी जेब से डालकर तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मेरा नाम सेठ सिकंदर है चंगेजा, पूरा शहर मेरी जुबान पे एतबार करता है, पर तुम उन्हें तलाश कैसे करोगे? वो दोनों आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जहां भी होंगे चंगेज़ उन तक पहुंच जाएगा। काश मेरे पापा मेरे प्यार को तस्लीम कर लेते तो हमें घर से भागना ना पड़ता। हम दीवारें छोड़ के आए हैं रोशनी, घर नहीं। घर मोहब्बत और खुलूस की बुनियादों पर कायम होता है, समझ लो। आज के बाद ये जमीन हमारा घर है और आसमान आसमान हमारे मकान की छत है। तूने ठीक कहा जानू, नफरत की इस जमीन पे प्यार का बीज फैला के मोहब्बत की फसल का जरूर इंतजार करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारा इश्क गुलाबों की सूरत महकेगा और फिजाएं हमारे प्यार के गीत गाएंगी।
का तुझको आज मैं डालूं घेरा, चिराग मेरे नाम पर दो ना हो कभी सवेरा। कैसा बदन क्या सिनेना, लगता है तुम इश्क में दीवाने होकर इस वीराने में आ गए हो। आप ठीक कहते हैं बाबा जी, जमाने ने अपने पत्थर के हाथों से हमें धक्के मार मार कर यहां तक ला फेंका है। ये कहानी बड़ी पुरानी है बेटा, इस कहानी के किरदार बदलते रहते हैं, मगर आशिकों का मुकद्दर नहीं बदलता। बाबा जी हमारी जान खतरे में है, हमें पनाह दे दें। रेशमा, रेशमा, ये देखो दो दीवाने तेरे और मेरे से पनाह मांगते हैं। हाँ, रेशमा कहती है आज इश्क हमारा मेहमान बनेगा। आओ आओ मेरे साथ। ये रेशम कौन है? रेशम इश्क की दीवानगी का दूसरा नाम है बेटा। रेशम मेरी खातिर वक्त की सूली पर चढ़कर कुर्बान हो गई, और मैंने उसकी कब्र पर बैठकर अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी। मेरा दुख लंबा है बेटा, रात छोटी है, आओ तुम लोग आराम करो। आओ, आओ। बैठे आप, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूं। बाबा जी आप हमारे लिए ये तकलीफ ना करें। तकलीफ दुख और इश्क इकट्ठे जन्म लेते हैं बेटा, इनको अलग अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। लगता है बाबा जी ने भी इश्क की चोट खाई हुई है। Oh,
तुम कौन हो बेटा? तुम फिक्र ना करो बाबा, यहां आज के बाद कब्रों की गिनती बढ़ जाएगी। आहिस्ता बोलो बेटे, दीवाने सो रहे हैं, तेरी आवाज से जाग पड़ेंगे। मैं इन दोनों की आखिर कर दूंगा। ये काशिक का डेरा है, यहां अमन के पंछी नाचते रहते हैं, यहां नफरत करने वालों का कोई काम नहीं। आगे से हट जाओ बाबा, तूने मफरूरों को पना देकर बहुत बड़ा जुर्म किया है। हे काशिक के जीते जी ईश को मौत नहीं आ सकती। हट जाओ बाबा, हट जाओ। नहीं, यहां से भाग जाओ बेटे, भाग जाओ। ये यहां से नहीं भाग सकते। हट जाओ बाबा, हट जाओ। छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। लो बाबा, तुम्हें कहा था ना कि कब्रों की गिनती और बढ़ जाएगी। मैंने दो प्यार करने वालों पर कुर्बान होकर आज इश्क की लाज रख ली है। रेशम, तेरी दौड़ खत्म हो गई है जानू, रोशनी को मेरे हवाले कर दे। जानू अपनी जान दे सकता है, पर रोशनी को छोड़कर अपनी जिंदगी में अंधेरा नहीं कर सकता। इसका मतलब है कब्र का अंधेरा तुम्हारी तकदीर बन चुका है। इश्क तकदीर और तदबीर का मोहताज नहीं बदमाशो। आशिक मरकर अमर हो जाते हैं, पर जालिम मरकर अपना निशान भी गंवा देते हैं। जोशा, इस दीवाने को अपनी ताकत की दीवानगी का नजारा तो दिखा। जोशा तुम्हारी होश बुला देगा। लगता है तेरा कत्ल मुझ पे वाजिब हो गया है। ओए, जिसके सर का ब्याना चंगेजा खुद पकड़ ले, उसे मौत का लश्कारा भी खुद दिखाता है। यहां से भाग जाए, नहीं तो जानू को कत्ल करने से पहले मैं तुम्हें मकतूल बना दूंगा।
रोशनी मेरी मंगेतर है चंगेजा, और जानू उसका अगवा करके मेरा मुजरिम बन चुका है। इसीलिए मैंने फरहान के मुजरिम को सदाए मौत सुनाने का फैसला किया है चंगेजा। ओए चंगेजे का इरादा, तुम्हारे हर फैसले की दीवार को फलांग कर तुम्हारी शहरत का खून निचोड़ लेगा। तैयार हो जाओ जानू, देख लो चंगेज ने अपना शिकार मारने के लिए कैसे बचाया है। इंसानों का शिकार करने वाले दोजख का ईंधन बन जाते हैं चंगेजा। तुम मेरी और रोशनी की जान ले सकते हो, मगर तुम्हारी गोली इश्क का सीना नहीं छीन सकती। मरने के लिए तैयार हो जाओ जानू। नहीं चंगेजा नहीं, चारों से पहले तुम्हें रोशनी को मारना पड़ेगा। आगे से हर जो लड़की, मैं तुम्हें जिंदा बचाने का वादा कर आया हूं, नहीं तो अब तक मेरी गोली तुम्हारा सीना चीर देती। आया मां? आया मां नहीं, मां तो हो बेटे। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, आज से 16 वर्ष पहले एक तूफानी रात में मैंने तेरी भूख से अपनी ममता कुर्बान कर दी थी। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो रोशनी। पापा। आया ठीक कहती है रोशनी, हमने तुम्हें अपनी चौखट से उठाया था। हाँ? हमने तुम्हें पाला जरूर है, पर हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। नहीं पापा। मां अच्छा हुआ आखिरी वक्त मेरी आंखों ने तेरा हज कर लिया। तुम्हारी की तरसी हुई माँ को जुदाई में डालना बेटा, नहीं तो कसम तुम्हारी माँ मर जाएगी, मर जाएगी। रोशनी, ये तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई है बेटा। रोशनी, रोशनी बेटा। पापा। रात गुजरती जाती है, ओए रात गुजरती जाती है। दिल को ना तड़पा गले लग जा बेदर्दी, रात गुजरती जाती।